It's a surreal feeling that Sanjay Leela Bhansali thinks about you. It's <laughs> <laughs> <I'm sorry. laughs> Like, you don't think that when you get a call saying, How are you doing? Is everything going well? You go, like, the, one of the biggest directors in this country is calling you and saying, How are you doing? You better be doing well. Doing great, sir. <laughs> yeah, I'm, I'm trying to. Because <laughs> you can't I'd be 100% sure. But it feels amazing. It feels unreal that you're. And the actresses that you named are too big. Hopefully, at some point in my life, I'll get to where they've gotten to but i'm just right now really happy and like not here. <laughs> <meant to laughs> really big names to be even comparing yourself with and there's a long way to go yeah. and you know i hope it's a lot of pressure and a lot of responsibility you know mm -hmm. and i hope that uh, we've done justice to it because we've put in a lot of effort and a lot of love into this project and you know i hope everyone likes yeah. mizan when did you know that you were going to be a lead uh, the lead in uh, malal when 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 that happened uh, around 2 years 2 years back 3 years back actually um, i had met sir 5 years back when he was working on the pre production of bajirao and uh, he told me that he he wanted to launch me and that i should act and uh, i'll never forget that day. it was Haan, uh, basically uh, abhi ham, uh, mobile गैजेट्स और इसका इस्तेमाल करते तो 98 जब मोबाइल आए थे और हम इतने उसको यूज़ भी नहीं करते थे तो जहाँ जो शिवा का कैरेक्टर है शिवा मौर्य का वो चौल में पहला तो एक बिल्डिंग में था मगर जब सर को मैंने नरेशन दिया तो सर ने वो बिल्डिंग से चौल में हम लेके गए उसको और फिर कहानी मुंबई की बनी I'll say, कि आपको शायद अंदाजा नहीं होगा पर उन्होंने अभी तक किसी को लाइफ में असिस्ट नहीं किया, और डायरेक्टली डायरेक्टर बने इनके अंदर एक विजन था एक कहानी कहने का एक जज्बा था आप किसान की किसान के परिवार से आते हैं और महीने में पंद्रह दिन आज भी खेती करते हैं जब बॉम्बे में नहीं होते तो वो उस जड़ जड़ों से जुड़े हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल हु कम हेयर एंड द मीडिया पर्सनल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द फैमिली एंड द फ्रेंड्स इन रियली मींस अ लॉट एंड आपका जवाब uh, जी नॉट ओनली मेरे पिताजी बट ऑल्सो मेरे दादाजी जो इंडस्ट्री में थे उन दोनों से जो सीख मुझे मिली है वो यू you नो know, वो जिंदगी भर मिलती रही है बचपन से मैंने देखा है यू नो एंड एक्चुअली ज्यादातर मैं कहना चाहूंगा कि जो सीख मुझे मिली है वो मेरे दादा से मिली है एंड मेरे पिताजी को भी मेरे दादा से मिली है सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक माई ग्रैंड फादर फॉर नो एंड द सेकेंड पार्ट योर क्वेश्चन वॉज जो पापा ने ड्यू जी, जी जो ड्यू नहीं मिला पापा को बट uh, इसलिए तो मैं आया हूँ ना अभी अब मैं आ गया हूँ तो you know, तो मैंने बाजीराव मस्तानी पे असिस्ट किया था पहले मेरी कॉम पे फिर बाजीराव मस्तानी पे और उस दौरान मैंने बहुत 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 सारी चीज़ें सीखी है बाजीराव मस्तानी में बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने कि वो पिक्चर बहुत लंबी चली थी संजय सर से सबसे ज़्यादा चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है हार्डवर्क डेडिकेशन लिविंग ब्रीदिंग ईटिंग फिल्म उनके पैशन जो पैशन उनके पास है फिल्म के लिए मैंने किसी के पास नहीं उस 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 किस्म का पैशन देखा नहीं है मैंने तो उनसे वो लिया है मैंने और मेरी माँ से

किसी और की ज़िंदगी जीने का बहुत शौक था बट मैरी कॉम के टाइम पे और बाजी राम अस्तानी के टाइम पे मुझे मालूम नहीं था अगर मैं एक्टर बनूंगी कि नहीं मुझे लगता है संजय सर को भी नहीं मालूम था अगर मैं एक्टर बनूंगी कि नहीं उनको आई डोंट थिंक विश्वास था कि मैं कर पाऊंगी उस टाइम पे बट आई थिंक जब उन्होंने देखा इज़ वन ही रियलाइज्ड के हाँ मे बी इस लड़की में कुछ बात है तो वो जर्नी वही रही बाजी राम अस्तानी की और लूजिंग वेट थ्रू आउट आप ये सवाल पूछ रहे हो आप ऑलरेडी लगा रहे हो थोड़ा बहुत बट एनी वे नेपोटिज्म नेपोटिज्म है हर फील्ड में है या एक्टिंग में है आप डॉक्टर हो आप मे आप आपके पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहते हो हर फील्ड में है नेपोटिज्म बट एंड हाँ आप सही हो जो लोग जिन जिनको इंडस्ट्री में पहचान है उनके लिए आसान होता है बट उनको उतना हार्डवर्क भी डालना पड़ता है इन कंपैरिजन जो प्रेशर की बात करते हैं प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है एटलीस्ट फर्स्ट फिल्म के लिए प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है बाद में अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है प्रेशर बढ़ बढ़ता ही जाता है क्योंकि फिर आप पहली फिल्म करते हो वहां पे प्रेशर है सेकंड फिल्म में आपको और भी बेटर करना पड़ता है क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली तो सिंसियरिटी ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ करो और अपने अपॉर्चुनिटी को मिसयूज मत करो तो वही बट यस आई डू अग्री विद एंड एंड ऑफ द डे आई डू हैव टू प्रूव माई सेल्फ वैन आई परफॉर्म एंड इट्स अप टू द ऑडियंस एंड एवरी वन एल्स वेदर दे एक्से वैदर दे लाइक मीनो एंड इफ देर आर लॉड ऑफ पीपल ऑडियंस डिप्टिक हार्ड वर्क एंड नो दैलेंट सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन आपके हाथ में वो टू डिसाइड दैट ये ने नेपटिज्म का Whether this is acceptable or no, whether we like him or no, you know, and we have a lot of other celebrities in the industry today who are an outcome of nepotism. And I wouldn't say they're bad celebrities or or they're my are my favorite actors, you know. So or I celebrities yeah. who are not from the industry, there are lots of big yeah. names today of people that are not from the industry, like don't have film backgrounds, and they have, have worked hard and gotten ahead. So why can't somebody who's from the film background work hard and try and get ahead? बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा जब मैं संजय सर को नरेशन दिया था स्क्रिप्ट का और एक्टर कौन हो गया फिल्म में ये जब बात चल रही थी तब तो इन दोनों का नाम मेरे सामने आया और मुझे तभी एक बात बताई गई कि आपको जबरदस्ती नहीं कि इन दोनों को ही फिल्म में लेना है आप आठ दिन इनके साथ टाइम स्पेंड करो और आपको यदि लगता है कि बिंग एक्टर इनमें कुछ पोटेंशियल है तो ये बात आगे बढ़ाओ नहीं तो आपको जो दूसरे एक्टर लेने थे दूसरे एक्टर ले लो फिल्म में तो मैं हमने एक आठ दिन का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ किया और फिर मैंने बताया हाँ ये कर सकते हैं एक्टिंग तो जी हाँ और दूसरा एग्जाम्पल जैसे महावीर जी ने बताया कि मैं एक्चुअली मुंबई में थोड़ा रहता हूँ गाँव में थोड़ा रहता हूँ और हालांकि संजय सर ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए फिल्म में वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे खानदे पे रखी है और मेरा तो फिल्म लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है आई मीन संजय सर I unprivated my Instagram Instagram account last night, so now I am social media active. But Sanjay Sir has looked, so one day we were on our way to like a family function, and we were sitting in the car. Sanjay Sir was next to me, Nani was in the front, and he looked at me and he was like, Sharmin, you know, because he also, you know, we don't know this, but he also somewhere in his mind looks at things, looks at social media. We don't know when he does it, we don't know how he does it, he doesn't talk about it, but he does look at it. So he was just looking at me and we were talking about it, and he was like, you know, there's no need not right now there's no need work keep working 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 and then everything else the fame the success the followers if you're good enough all of that will come to you at some point and you won't realize when it comes and that will be a better feeling than trying to get it so for me it's yeah. let my work speak which is why last night was the night cuz now the trailer is out and we all the movie also needs to make money so we will promote yeah. it and we'll get on social media but first let them start off with seeing your work. You know we honestly thought about that too when we were shooting it and uh, i think secretly master G had that plan when he was choreographing it okay. but uh, but uh you know i you, you're talking about inspiration yeah who and are when you influences? have yeah. exactly when you have a javi jafri at home and when you have a jagdeep at home i don't think you need to look at anyone else because it's an abundance of talent at home itself.